If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Oh. अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को एक जानलेवा हमला हुआ। उन पर यह हमला तब हुआ जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान किसी ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग होते ही वो नीचे झुक गए और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस हमले के बाद उनके चेहरे पर खून भी दिखाई दिया। हालांकि इस खतरनाक हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बच गई। इस हमले के थोड़ी देर बाद ट्रंप मंच से जनता को हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस घटना से पूरा अमेरिका दहल गया। ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ये एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश थी। FBI ने इसे ट्रंप की हत्या के प्रयास में किया गया हमला बताया है। इस बीच अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी FBI ने दावा किया है कि उसने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। FBI ने ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले शूटर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की है। ये वही शख्स है जिसने ट्रंप पर गोली चलाई, लेकिन इस घातक हमले के पीछे का मकसद क्या था, इस बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान में सिर्फ इतना कहा है कि FBI ने 20 वर्षीय थॉमस क्रुक्स की पहचान ट्रंप की हत्या के प्रयास में शामिल व्यक्ति के रूप में की है। FBI के बयान में कहा गया है कि क्रुक्स रैली स्थल से 70 किलोमीटर दूर बेथल पार्क के रहने वाले थे। ये जगह पेंसिल्वेनिया में ही है। जांच एजेंसी ने साथ ही कहा है कि ट्रंप पर हमले की विस्तृत जांच जारी है। उसने इस संबंध में लोगों से जानकारी देने की अपील की है। जांच एजेंसी ने कहा कि लोगों के पास अगर कोई फोटो या ऑनलाइन वीडियो है तो वो उसे साझा कर सकते हैं। हमले का क्या मकसद था ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। FBI अधिकारी ने यह भी कहा कि वे अभी भी हत्या के प्रयास के पीछे के मकसद के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। बता दें कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। FBI ने इस मामले में कहा है कि हमारे पास वर्तमान में कोई पहचान वाला मकसद नहीं है। हालांकि हमारे जांचकर्ता उस मकसद की पहचान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। FBI हत्या के प्रयास की जांच में अग्रणी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। एजेंसी ने कहा कि हम अन्य संघीय एजेंसियों, हमारे राज्य भागीदारों और हमारे स्थानीय पुलिस भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और गोलीबारी के बाद अपने कट्टर प्रतिद्वंदी से भी बात की है। बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद पत्रकारों से कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। हम इस तरह की घटनाओं को देश में होने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। फिलहाल सबकी नजरें इस हमले के पीछे की वजह जानने पर हैं, जिसका बहुत जल्द पता लगाया जा सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।